हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की अगुवाई में करीब 15 समस्याओं को रखा गया, जिनमें से 11 का मौके पर निपटारा किया गया जबकि 4 पेंडिंग रही। यमुनानगर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पंचायत, नगर निगम, बिजली विभाग से जुड़ी करीब 15 समस्याओं को राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने सुना। इनमें से 11 को मौके पर निपटाया गया जबकि 4 समस्याओं को अगली बैठक के लिए रखा गया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने पहलवानों के मसले पर भी बयान दिया। उन्होंने बालू खाप समेत कई खापों की नाराजगी को लेकर कहा कि महिला पहलवानों को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, वो पूरे मसले पर नजर रखे हुए है। कमेटी जो निर्णय लेगी वो मान्य होगा। मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। कितनों का निपटारा हुआ, क्या क्या शिकायत है? देखिए, आज जिला यमुनानगर समिति की बैठक हुई, इसमें 15 शिकायतें थी, 11 का मौके पर निपटारा हो गया है, वो 4 पेंडिंग है, वो अगली मीटिंग के लिए रखी गई। और इसमें पुलिस विभाग की शिकायतें थी, बिजली विभाग की शिकायतें थी, नगर निगम की शिकायतें थी और पंचायत विभाग की शिकायतें थी। तो इस तरीके से कई विभागों की शिकायतें थी, तो समाज वगैरह का समाधान। इसमें मैम जो एक मुख्य रूप से शिकायत आई जिसमें अप्रूव्ड अन अप्रूव्ड को लेकर, इस तरह निगम में कहीं प्रॉपर्टी आईडी इस तरह की भी दिखते हैं, तो उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, आपके सर्वे के लिए बोल दिया है, इसमें इसका सर्वे होगा, सर्वे में जो भी निकल के आएगा उसका अन अप्रूव्ड है उसको अप्रूव को लेने की जो बात हुई इसको जल्दी ही पूरा करेंगे। और वहाँ का जो पार्षद है और एक मेम्बर को साथ में लगाकर इसका सर्वे करने का काम करेंगे। इसमें मैम जो महिला खिलाड़ी दिल्ली बैठी हुई है, तो यहाँ पर जो पंचायत है, बालों की भी पंचायत है, या खापों ने कह दिया है कि बीजेपी जेजेपी को बढ़ने नहीं देंगे यदि वो न्याय नहीं दिलवाते? देखिए, ये इसका तो कमेटी बना रखी, कमेटी का जो निर्णय होगा जो उसमें निकल जाएगा उसमें करने का काम करेंगे। और ये हमारे पीछे केंद्रीय मंत्री जी ने भी बोला, उनके कहने से एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट पर आगे उस पर कार्रवाई होगी। और ये इसमें कोर्ट में भी मैटर है, उस पर भी इसका जब भी कोई बोला वो कार्रवाई की जाएगी। और जो आप करें खाप पंचायतें, मैं कल भी मेरी विधानसभा में जाके आई, कोई ऐसी बात नहीं है, खाप पंचायतों का और उसका ये तो रूटीन में चलता रहता है। और खिलाड़ी हमारा देश का मान सम्मान है, उन्होंने हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे कि काफ़ी समस्याएँ होती हैं जो कागजों में भी दबके रह जाती हैं और उजागर नहीं होती है, काफ़ी समय बाद होती है, तो इसका निर्धारित समय क्यों नहीं तय किया जाता, कितने समय में ये कार्य क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर हम बात करें आज इसकी जो हमारी मीटिंग है, जितनी भी शिकायतें आती हैं हम शिकायतों का तुरंत निपटारा करने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें कुछ देर या तो अगली मीटिंग के लिए पेंडिंग रखा जाता है, उसमें बिल्कुल कार्रवाई होती है। मैंने अधिकारियों को भी आदेश दिए, वो भी इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। डीसी साहब भी बैठे हैं, एसपी साहब भी बैठे हैं, तो सभी संबंधित जो अधिकारी हैं इस पर बिल्कुल कार्रवाई करने का काम करेंगे और उसमें समाधान करने का काम। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।